खास पता क्यों? 27 अगस्त मुकेश साहब उत्सव, 30 अगस्त शैलेंद्र जी की सालगिरह। तो मैं कुछ ऐसा गाना एक एक अंतरा करता हूँ जिसमें लिखा हुआ शैलेंद्र जी का हो और गाया हुआ मुकेश जी का। वंडरफुल, एक एक दो दो क्वेश्चन आगे आ जाइए। है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौटिया, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे ढूंढेंगे तुझे गली गली, सब ये गम के मारे पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, ओ जाने वाले हो सके तू लौटे, ये घाट ये घाट। मैं दिनेश जी को नमस्कार कर रहा हूँ और मैं गा रहा हूँ कबीराज का गीत और एक अंतरा मैं और गा रहा हूँ उनका, जो गाना कम सुनने को मिलता है, लिखा बहुत कमाल है, दिनेश जी जानते हैं। आप सुनो। ओके। साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट उठता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई कैसे मनाऊं, पियवा गुण मोहे एक हूं नहीं, आई मिलन की बेला घबराए मन माही, कैसे मनाऊं पियवा गुण मोहे। मैं अनजान पराई द्वार तिहारे आई, तूने मुझे अपनाया, जन्म की प्यास बुझाई, हाय रे मन की कनिया फिर भी खिलना पाई, गुण मोहे आई मिलन की बेला घबराए मन माही। मुझे खुशी है कि कविराज के सुपुत्र दिनेश जी इस वक्त इस गीत को सुन रहे हैं। 1961 की फिल्म चार दीवारी का गीत है, सलील झा का संगीत और कविराज का लिखा हुआ ये गीत। हमें खुशी है कि हम इस वक्त दिनेश जी के साथ हैं। वेरी ऑनर्ड, के लिए बहुत दुआएं करते हैं। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ दिनेश जी, और उम्र के इस पड़ाव पे उन कलाकारों को याद करता हूँ। 27 अगस्त को मुकेश साहब को याद किया, कल मैंने सालगिरह मनाया कविराज का, और आज हम सब बैठे दुआएं कर रहे हैं, और आपके लिए भी बहुत सारी। अच्छा बेटा जाओ चाय पी लो। आपका वो फेवरेट गाना है जिंदगी का? नहीं नो कंक्लूडिंग। देखिए ऐसा है कि उस गाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दरअसल ये जिंदगी का कुछ सिलसिला समझ तो आता नहीं, कोई कुछ समझे कोई कुछ समझे, लेकिन शैलेंद्र जी ने इसको दो जगह समझा। एक जगह तो उन्होंने कहा 1956 में, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया,
दिल ने हमसे जो कहा हमने ऐसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला। ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच क्या। ये 1956 लेकिन इस बीच में शैलेंद्र जी की जिंदगी में बहुत कुछ होता चला गया, और खास तौर से 1961 से 65 के बीच में वो फिल्म बना रहे थे तीसरी कसम, और उससे आगे की बातें हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो 1965 में हमारे जो महान कलाकार मोतीलाल जी हैं वो भी अपनी इनिंग्स खेलकर रिटायर हो चुके थे, लेकिन चलते चलते उन्होंने एक फिल्म बनाई छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें में वो अनिल विश्वास साहब को लेकर आए, और अनिल विश्वास साहब के साथ शैलेंद्र जी को लेकर आए, और उन्होंने कहा कि आज जो मैं ये गीत यहाँ तैयार कर रहा हूँ बस वो अपने आप में जिंदगी की तर्जुमानी है। वो नज्म थी, नज्म इस तरह से अनिल विश्वास साहब हैं, शैलेंद्र जी हैं, मुकेश साहब हैं, और एक तरह से आज हम उन्हें खिराजा की इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी आज दुनिया में हम उन्हें खिराजा की इज्जत दे रहे हैं, बाबा जी भी दे रहे हैं। नज्म कुछ इस तरह थी, जिंदगी ख्वाब है था हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था, सुख भी थे दुख भी थे दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था रंगीन संसार था, आ गई थी शिकायत लबों तक मगर किसे कहते तो क्या कहे न बेकार था, चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे हार कर बैठ जाने से इनकार था, चंद दिन था बसे हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे घर तो उस पार था, हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था, अलविदा करीब। तो आज की इस महफिल में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, आशियाना यहाँ पर जो है उमा जी ने सजाई महफिल, और जाहिर है गोपाल कृष्ण जी साथ साथ, बेटा साथ साथ, उधर से इतनी बढ़िया चाय बना के भेजिए चंद्र का। अच्छा, उषा जी ने भी अभी गीत गाया, और राहिला जी तो जहाँ होंगी रौनक होनी ही होनी है। और अभी अभी देखिए बड़ी बात यह है कि उन्होंने शैलेंद्र जी के अंश और वंश दिनेश जी से हमारी इस बात को कराया, और वो दिनेश जी इस गीत को सुन रहे थे जो थोड़ा पहले मैंने गाया था, और उन्होंने वहाँ जब एक बार किया तो हमें ऐसा लगा जैसे कविराज शैलेंद्र जी भी वहाँ कर रहे हों। और हमारे बीच में पद्म मोदी जी मौजूद हैं, पहली बार सबकी ज़्यादातर की मुलाकात हो रही है, लेकिन ऐसी महफिलें हम बनाते रहें, जमाते रहें, कुछ कोशिश रहेगी। आज का दिन बड़ा खूबसूरत है, 31 अगस्त है आज, और 2019 का बरस है, और हम चाहेंगे कि फिर भी कभी मिलें, लेकिन आज गायबाना हम अमृता प्रीतम जी को भी याद करते हैं, क्योंकि आज के दिन वो दुनिया में आई, और 100 बरस सेंटिनरी, तो ये भी एक बड़ा कमाल है। कोई भी कमाल का इंसान जिसने कुछ किया है, 27 अगस्त को मुकेश साहब हमने याद किया, 18 अगस्त को गुलजार साहब हमने याद किया, और 1 अगस्त को महाजवी मीना कुमारी
तो इन लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग फिर धरती पे आएंगे नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं 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 दुआएं।